मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के मंचन के पहले दिन मैं शैलजा सक्सेना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये नाटक 1969 में लिखा गया था और तब से लेकर अब तक इस नाटक की 50,000 से भी अधिक प्रस्तुतियां पूरे भारत में हो चुकी हैं। इप्टा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नाट्य कला केंद्र जैसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थानों ने इसको प्रस्तुत किया है। 1969 में पहली बार ओम शिवपुरी जी ने इसका मंचन किया था और तब से लेकर अब तक इस नाटक का मंचन किया जाता रहा है। हम लोगों ने आज इस नाटक का समय नहीं बदला है क्योंकि इस नाटक के पुरुष, स्त्री, स्थिति और परिस्थिति सब कुछ अब भी वही का वही है। ये नाटक हिंदी राइटर्स गिल्ड और सावित्री थिएटर ग्रुप की संयुक्त प्रस्तुति है। सन 2008 से जीटीए के हिंदी प्रेमियों की प्रमुख संस्था रही है हिंदी राइटर्स गिल्ड, जो बहुत से गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, मासिक वर्कशॉप इत्यादि करते हैं और साथ ही हम लोगों ने 6 नाटक भी प्रस्तुत किए हैं। सन 2004 से सावित्री थिएटर ग्रुप ने बहुत से मराठी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक प्रस्तुत किए हैं। दरअसल अभी तो उनका केस नंबर 99 चल भी रहा है, आने वाला है, और आप लोग उनके अनुभव और उनकी क्षमता से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं अपने डायरेक्टर, निर्देशक, आज इस नाटक के निर्देशक श्री प्रकाश दाते जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कुशल रंगकर्मी हैं, मंच के आगे और मंच के पीछे दोनों रूप से उन्होंने बहुत से सुंदर भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं और मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के नाटकों में भाग लिया है। उनका हृदय से धन्यवाद और सभी अभिनेताओं का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने बहुत मेहनत से आज का नाटक आप लोगों के लिए तैयार किया है, और उनके घर वालों का विशेष करके धन्यवाद जिन्होंने इतना सहयोग दिया, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता था। इस नाटक के पीछे इधर उधर बिखरे हुए कुछ लोग आपको दिखाई देंगे बाहर दरवाजे पर और बाद में भी, उन लोगों ने भी बहुत काम किया है, हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस नाटक की कहानी उलझी हुई है, चरित्र संश्लिष्ट हैं, विचार के अनेक आयाम हैं। हम जो पाना चाहें जब उसे नहीं पा सकें, तब जो खीज और अतृप्ति उपजती है उसके बीच से निकलती है इस नाटक की कहानी। आइए देखें नाटक आधे अधूरे। रंग देवता और सम्मानित प्रबुद्ध दर्शकों का विनम्र अभिवादन। हिंदी राइटर्स गिल्ड प्रस्तुत करती है मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे। निर्देशन प्रकाश दाते, पार्श्व संगीत दीपक संत। आधे अधूरे। आधे अधूरे। फिर घर पे कोई नहीं। किन्नी, अरे ओ किन्नी, होगी नहीं, जवाब कहां से दे। फिर बाहर लाइए कौन किताब, जरा शर्म नहीं कि कहां से रोज रोज पैसे आ सकते हैं नई किताबें खरीदने के लिए। और अशोक बाबू,
ये कमाई करते रहे हैं सारा दिन। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेपबर्न, शर्ले मैकलीन जिंदगी काट रहे हैं किताबों के साथ, और बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर गए। दिन भर घर पर रह के इंसान और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो संभाल कर रख ही सकता है। इतना नहीं है कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ा, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आ गई तुम दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी आ गई होगी। ये अच्छा है, दफ्तर से घर आओ तो घर पे कोई दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? थोड़ी देर के लिए बाहर मार्केट गया था। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। लाओ मुझे दो। अब क्या दे दूं, पहले खुद भी तो देख सकते थे। चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था? ओ किन्नी, वो मुझे दिखी नहीं कहीं। दिखे तब ना जब घर पे रहे कोई। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वो अभी फिर आएगा थोड़ी देर में, तब तो घर पे रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। तुमने कहा होगा आने के लिए। क्यों, कहना फर्ज नहीं बनता? आखिर बॉस है मेरा। बॉस होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके माथर। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब गुजरेगा यहाँ से आएगा। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज 3री बार आएगा। ओ, तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ पर। क्यों, बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता बहुत अच्छी बात है। जो तुम जो कहते हो ना उसका सब मतलब समझ में आता है नहीं। तो अच्छा यही है ना मैं चुप रहा करूं, और जो चुप रहता हूं तो? तुम चुप रहते हो और ना कोई। जब जब वो आया है मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पे नहीं रहे। तो उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर? वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। हाँ जाना तो है, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना। तो मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। बना रही है तो बना लेना मेरे लिए भी एक कप। सुनो वो उसका क्या हुआ, वो जो हड़ताल हो रही थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तुम्हें पता चल ही जाएगा। पर होगी भी। अरे तुम उसके इंतजार में हो क्या? हड़तालों का क्या है इसमें, देखो हड़तालें तो होती रहती हैं। अरे तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहां जाने की बात कर रहे थे तुम? जुनेजा के यहाँ सोच रहा था जाऊं। जुनेजा के यहाँ? हाँ हो आओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, कम से कम उसे मुंह तो दिखा के आना चाहिए। हाँ हाँ जाके मुंह दिखाओ उसे। वो 6 महीना बाहर रहकर आया है, हो सकता कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ काम। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में, पहले ही कुछ काम नहीं किया है। कितनी धूल पड़ी रहती है इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। नाक कोसती रहती है उस आदमी को, उससे तो हमेशा अपनी तरह से हमारी मदद ही की है। अरे ना करता मदद तो उतना नुकसान ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले नहीं जाना है कि मुझे? अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो, वहां चले जाओ वो साफ हो गई। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? एक ही जगह फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे। खड़े क्यों हो गए? क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता। खड़े तो हो सकते हो मगर घर के अंदर ही। सुनो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो पता है उस सब कितना पैसा लिया था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था शुरू में निकाल निकाल कर खा लिया था। किसने खा लिया, मैंने? नहीं मैंने, कितना खर्चा था उस समय घर का, 400 रुपया घर का किराया था, किस्तों में फ्रिज खरीदा गया था, टैक्सियों में आना जाना होता था, बेटा बेटी की कॉन्वेंट की स्कूल की फीसें जाती थी, शराब आती थी,
दावतें उड़ती थी, उन सब पर तो पैसा खर्च होता ही था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने निकल जाओ घर से। वो आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि उसके आदमी को हर बार काम हो जाता है बाहर। शायद सोचे कि मैं ही जान बूझ कर भेज देती हूँ। वो तय करके नहीं आता मुझसे, जो मैं मौजूद रहा करूँ हर वक्त उसके लिए आराम घर पर। ओ तो कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। तुम तो बस आमादा रहती हो हर वक्त। अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो गायब रहा करना तीन तीन दिन घर से घर से। तुम फिर से वही बात करना चाहती हो? अगर रहा भी हूँ कभी घर से बाहर तो आखिर किस वजह से? वजह का पता तो या तुम्हें होगा या तुम्हारे उस बेटे को, वो भी तीन तीन दिन दिखाई नहीं देता घर पर। मेरा मुकाबला अशोक से करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वाब की अपनी जिंदगी, उसी तरह वो भी। और बिन्नी बेटी तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तो किसी के साथ घर से भागने की सोची ना थी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, क्या चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता है तुम यही सब कहोगे। वैसे हजार दफे कहोगे बेटे की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो सिंगानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसलिए चलकर आता है घर पर। अरे शुक्र नहीं मनाते इतना बड़ा आदमी एक बार कहने भर से? मैं शुक्र नहीं मनाता, मैं तो हमेशा शुक्र ही मनाता हूँ। जब जब कोई नया आदमी इस घर में आना शुरू होता है मैं शुक्र ही मनाता हूँ। पहले वो जगमोहन आया करता था, बाद में मनोज आने लगा। और भी जो जो कहना है कह डालो जल्दी से, उसके बाद देख लेना अगर। क्यों, जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं, तुम्हारे होशो आवाज गुम होने शुरू हो गए? जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो, उससे तो दिल करता है कि आज ही मैं। मम्मा, मम्मा। बिन्नी आई है। हाँ फिर उसी तरह आई होगी, एक बार देख लोगे क्या चाहिए उसे। मम्मा टूटे 50 पैसे देना जरा। टूटे 50 पैसे है ना तुम्हारी जेब में, होंगे तो सही दूध के पैसों से बचे हुए। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए अपने इस अखबार पर। बेटा बैठ। मम्मा कहाँ? मम्मा वही होगी रसोई घर में। मम्मा, मम्मा क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय लेगी? नहीं नहीं अभी नहीं, सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा हो रहा है, आ रही हूँ गुसल खाने से जरा हाथ को धोकर। बात सुन, ये तेरी आंखें कैसी हो रही है? क्यों कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा मम्मा, अभी आती हूँ। फिर उसी तरह ही लगती है। चाय ले। सामान भी नहीं था कुछ उसके पास, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पर्स में केवल 1 रुपया था उसके पास, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं था। तो हो सकता है कहीं और से आ रही हो। तू बाप को हमेशा ढकने की कोशिश क्यों करती हो, खुलकर पूछती क्यों नहीं उससे? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी, तुम्हें हवा बांध रखी थी। मनोज ये है, मनोज वो है, मनोज न जाने क्या है। तुम्हारी शह से उस शख्स का इस घर में आना जाना ना होता तो क्या ये लड़की बाद में इस तरह बिना बताए चुपचाप? तो फिर तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हारा कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत ही होता है, मुझे पता नहीं है? हाँ तुम्हें सब पता है, अगर मेरे कहने से सब कुछ इस घर में चलता ना तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 वक्त की रोटी मिल जाती ना मेरी नौकरी की वजह से, वो भी ना मिलती, और लड़की भी घर ही बैठ कर बुढ़ा गई होती, पर किसी ने ये ना सोचा होता कि ठंडे पानी के छींटे मारे तब जाकर कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस क्या बात है मम्मा, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं प्याले रख कर आ रही हूँ घर से। क्या बात है डैडी? बात कुछ भी है तो सही कुछ ना कुछ बात। वो तुम्हारी मम्मा मुझसे कुछ, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मम्मा से कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो तुम्हारी मम्मा आई है उसी से पूछो। मम्मा डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? उन्हीं से क्यों नहीं पूछ रही? ये अच्छा है, वे कहते हैं तुम बतलाओगी, तुम कहती हो उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं कि तुम नहीं जानना चाहती तो रहने दो आपको। पर बात ऐसी क्या है जानने की? बात ऐसी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहां से,
उससे इन्हें कहीं लगता है कि तुम्हें नहीं लगता? पर क्या लगता है कि कहीं कुछ है जो तू छुपाती है, हमें नहीं बताती। और मेरी किस बात से ऐसा लगता है आप लोगों को? अब कहो ना इसे वो सब जो मुझसे कह रहे थे। तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरी कर डालो। मैं तेरे से एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछ सकती हो। तू खुश है वहां पर? बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और कैसे कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो क्या जवाब तब होता अगर मैं कहती मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ? आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से क्या लगता है? मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल के मरी जा रही हूँ। हाँ बस तपेदिक होता है आदमी को। तो और क्या क्या होता है? आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से आप लोगों को ऐसा नजर आता है? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर, मैं इसीलिए नहीं पड़ता इन झमेलों में। अच्छा चल छोड़ इस बात को, आगे से नहीं पूछूंगी तुझसे ये सवाल। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी कटती ही चली जाती है हर आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? अरे मैं चुप ही तो रह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? 12 साल की लड़की की बली, आप चाहे जो कुछ भी कह लो मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। उदयपुर में मंडा गांव के ठेकेदार द्वारा अमानुष की कृत्य, अद होती है बात। चल सच सच बता, तुझे किसी चीज की शिकायत है वहां पे? शिकायत? शिकायत किसी चीज की नहीं, तो और हर चीज की है। फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं, तो और सारी बातें खास। जैसे? जैसे सारी बातें। तो तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को काफी अच्छे से जानती हूँ, पर अब आखिर लगने लगा है वो जानना बिल्कुल जानना नहीं। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? उसके चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लिहाज से काफी साफ आदमी है वो। तो फिर क्या उसके स्वभाव में ऐसा कुछ है? उसका स्वभाव हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। तो फिर? यही तो मैं भी नहीं समझ पाती मम्मा, पता नहीं कहां पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है? हाँ ठीक है। सेहत? अरे बहुत अच्छी। सभी कुछ अच्छा अच्छा, फिर तो शिकायत किस बात की है? तो बात को समझने भी दोगे? जब इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं है तुझे, तो या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए या मैं भी कह नहीं सकती। मामा वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से होकर गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ हवा। ये वजह बताइए उसने, हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं शायद समझा भी नहीं सकती मम्मा, किसी और को तो क्या खुद को भी नहीं समझा सकती। मम्मा ऐसा भी होता है क्या कि दो लोग जितना ज्यादा साथ रहें, एक ही हवा में सांस लें, उतना ही खुद को एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हो? क्या ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने बारे में तो मैं ऐसा कह ही सकती हूँ मम्मा। तू बैठकर बात क्यों नहीं करती? मैं ठीक हूँ इसी तरह। तूने जो बात कही है अगर वो सच है तो क्या उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो? पर कौन सी अड़चन? कैसी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी? मम्मा ये छोटी छोटी बातें अड़चने नहीं होती, मगर अड़चने बन जाती है। एक गुब्बार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिसे मैं उसे अपने अंदर से बाहर निकाल सकूं। पर आखिर वो सीमा आ ही जाती है जहां आकर
और वो निढाल हो जाता है। और ऐसे में वो सिर्फ एक ही बात कहता है, क्या? कि इस बात का पता या तो मुझे अपने अंदर से चल सकता है या इस घर के अंदर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो? और क्या क्या कहता है वो? इस पर तुमसे बात नहीं करे। पर बात मेरे घर की हो रही है। तुम्हारा घर? क्यों, ये मेरा घर नहीं है। तुम सचमुच अपना घर समझते हो इसे? कह दो जो कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था जो कहना चाहती हूँ। अब भी कह दो, 10-12 साल और हो जाएंगे। नहीं होने पाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा यहाँ सब कुछ तो। सचमुच नहीं होने पाएंगे। काफी अच्छा आदमी है जगमोहन, अभी ट्रांसफर होकर दिल्ली भी आया हुआ है। मिला था उस दिन कैनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा मिलने के लिए घर पर। डैडी, ये मैंने ऐसा क्या कह दिया? तारीफ की है उस आदमी की? खूब करो तारीफ, और भी जिस जिस की हो सके तुमसे। मनोज, आज तुझे जो कहता है, पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रहता रहा है, तब उसे पता नहीं चला कि ये मैं उससे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि क्या? मैं कैसे बताऊं क्या लगता है? वो जितने विश्वास के साथ ये सब बात मुझसे कहता है, मुझे अपने आप से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। जी चाहता है कि आसपास की सारी चीजें तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे कि एक बार के लिए तो वो तिल मिला उठे। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती हूँ तो खींच कर यहाँ चली आती। नहीं, कई कई दिनों के लिए खुद को उससे काट लेती हूँ, पर फिर से सब कुछ उसी तरह होने लगता है। सब कुछ वैसे ही होने लगता है जब तक कि हम फिर से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए। तेरा अपना घर है? मेरा अपना घर? मेरा अपना घर, और मैं यहाँ आती हूँ कि एक बार फिर कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वो इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा क्या चीज है वो? आप बता सकते हैं डैडी क्या चीज है वो और कहाँ है वो? इस घर की खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वो मनहूस चीज जिसे वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा क्या चीज है वो और कहाँ है वो इस घर में? कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दी भी है, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। तू पहले अपना बता, आते ही चली कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती यहाँ, और दूध गरम हुआ मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा भी नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गरम। अभी कहाँ ना हुआ जाता है? तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? जा रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं। तू फिर फाड़ लाई एक और किताब? अपने आप हट गई तो मैं क्या करूं? आज सिरा की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ, मिस ने कहा। तू मिस की बात बाद में करना, पहले बता कि रोज कहती हो बाद में करना। आज भी मुझे ढीले लाकर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे शोकी मार मारा फिरता है। मैं भी फिर तेरा करूंगी। तुझे तमीज से बात करना नहीं आता है? बड़ा भाई है वो तेरा। क्यों फिरता नहीं वो मारा मारा सारे दिन? किन्नी, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ क्या करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही ना। मम्मा, तुमने इस लड़की की जुबान बहुत ही ज्यादा खोल रखी है। यही बात मैं कह दूं ना इनसे तो। और भी जो जो कहना है कह डालो। अरे क्या कह रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ इसका।
कल मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए। और मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज कि फाउंडर्स डे पीटी के लिए तीन तीन नए किट। कितने? तीन तीन, सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था क्लिप और मोजे सब तो जरूर आ जाएंगे, आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। अच्छा देख, चल छोड़ इस बात को, तू आके अपना बैग खुला छोड़ गई थी, मैंने इसे बंद किया है, चल इसे अंदर छोड़ कर आ। तुमने मेरी बात सुनी है? सुन ली है। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजों की बात, ये कह रही बैग रख कर आ। हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी इनसे कह दे तो रास्ते इस तरह खींच दी जाती थी जैसे। क्या कहा तुमने? मैं कह रही थी। क्यों मम्मा, तुम कुछ सोच रही थी क्या? नहीं सोच नहीं रही थी, देख रही थी कुछ और तो नहीं है करने को, अभी कोई आने वाला है। और कौन आने वाला है? सिंगानिया, इसका बॉस, वो आजकल नया आना है, शुरू हुआ इस घर पर। मम्मा, मम्मा क्या बात है? मम्मा कुछ नहीं, बोलो ना मम्मा क्या बात है? कहीं यार कुछ नहीं। फिर भी तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पे लाती रहोगी? अब मुझसे नहीं होता बेटे, अब मुझसे नहीं समझता। एक तुम ही तो हो सब कुछ इस घर में करने वाली, जब से बड़ी हुई हूँ तब से देख रही हूँ, जो तुमसे नहीं होगा वो और किससे होगा इस घर में, जान सकती हूँ मैं? अकेले ही इस घर के लिए खुद को हलाक करती रहती हो। क्या हुआ है उसे? तुम्हें सारे घर में धूल इसी वक्त झाड़नी है क्या? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढता। अरे अब तुझे क्या हुआ उधर? देखो शोकी ना मुझे। ये शोकी शोकी क्या होता है? तू जो अशोक पापा जी नहीं कह सकती? अशोक पापा जी? वो है? ये अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोचती थी कि वो बड़ा सो रहा था, तब मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। अरे क्यों रे, तूने शेव करना छोड़ दिया है बिल्कुल आजकल? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। मैं तेरे से एक सवाल पूछूं? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की? 13 साल की उम्र में। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है, और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए इसे, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं है जो तू उसके बाल खींचता रहे। हो तब तो सचमुच मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जरूर मान लेनी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं ये किताब। नहीं देखी? तकिए के नीचे रख कर सोए तो भी नहीं, मैंने जरा निकाल कर देख पढ़ ली तो। क्या मैं देख सकता हूँ ये किताब? नहीं, आपके देखने की नहीं है। अशोक ये वही किताब है ना कैसेनोवा? ठहरो, क्या मैं ये जान सकता हूँ यहाँ किसी से मेरी उम्र कितने साल की है? ऐसी क्या बात कहती किसी ने की? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल की है, कितने साल की है मेरी उम्र? ये तुम्हें पूछ कर जानना है क्या? हाँ पूछ कर ही जानना है आज कि कितने साल बीते हैं मुझे मेरी इस उम्र का बाढ़ होते हुए, और कितने साल बीते हैं मुझे इस परिवार की देखरेख करते हुए, और सबके बाद आज पहुंचा कहां हूं? यहां जिसे देखो मुझे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो मुझे बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी। हर एक के पास एक ना एक वजह होती है, इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था, क्या मैं ये जान सकता हूं कि यही हैसियत है मेरी इस घर में, कि मैं कि जब जो भी जिस वजह से कुछ नहीं कहते मैं चुपचाप सुन लिया करूं, हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच कि यही कमाई है मेरी इतने सालों की। ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता, कोई है जो सुनेगा? मुझे सुनना चाहिए, वो सब तो एक रबर स्टैंप के सिवा कुछ समझते नहीं मुझे है? सिर्फ इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर निकल जाते हैं जरूरत पड़ने पर। ये
बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? मामा सुन लेने दे मुझे इनसे कि रबर स्टैंप के माने क्या होते हैं। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? सुनो तो सही मामा। ये सब कब कब मिला है इनसे? किसी को भी इस घर में किस बारे में ये कहते हैं कि? किसी बारे में नहीं, मैं जानता हूं इस घर में मैं एक रबर स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। इस सब के बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकते ना? एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे? हाँ, छोटी सी बात ही तो है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के भरोसे मिल सकता, बाहर के लोगों के भरोसे मिल सकता इस घर को। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता ही आया है और आगे बिगड़ ही बिगड़ सकता है। ये इतने सालों से बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये लड़की बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई? मेरी वजह से। और तुम भी क्यों चाहती रही हो इतने साल? सुन रहे हो तुम लोग? मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं हूं, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं हूं, फिर भी इस घर से चिपका हुआ हूं क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूं, घर घुसरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग चुका है। मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर से इस घर को खा लिया है, बड़ा पेट भर चुका है मेरा हमेशा के लिए। और बचा भी क्या है इस घर में, ये खाने के लिए रहता रहूं यहां पर? डैडी, डैडी, डैडी। चलेगा डैडी? मामा, तुम्हारा ख्याल है मामा। रहने दे, यही सब होता है हर शुक्र शनिचर यहाँ पे, लौट आएंगे रात तक। ये तुझे क्या हो रहा है उधर? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है कोयला। तू एक मिनट यहाँ आएगी? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट 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 और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। मैं देखता हूँ इस लड़की को, कम से कम इस लड़की को। तू इधर आ, पहले मैं जाकर इसे। पहले तो इधर आकर बात सुन मेरी। बोलो। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वो अभी फिर से आएगा। और कौन आने वाला है? अरे मम्मा का बॉस। क्या नाम है मम्मा उसका? अच्छा, वो आदमी। क्यों, तू मिला है उनसे पहले? दो बार। कहां? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी की खातिर। मेरी खातिर? पर मुझे क्या लेना देना उस आदमी से? अरे उसके जरिए मम्मा तेरी नौकरी की ही बात कर रही होंगी ना। मुझे नहीं चाहिए नौकरी वोकरी, और कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। अच्छा क्यों, उसे क्या हुआ है? चुकंदर है। वो आदमी है जिसे ना बैठने का शौक है ना बात करने का। 5,000 रुपए तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, लेकिन इतना भी होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन। अशोक तुम्हारा बॉस ना होता ना तो उस दिन कौन से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया होता मैंने। सोफे पर टांगे पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जांगे खुश रहते देख किसी तरफ रहे हैं, और बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा ये बतलाइए आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है तेरी खुजली और मेरी मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं माथा पच्ची करती हूँ सारा दिन। पहले 5 सेकंड घूर कर आपकी आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज चबाता हुआ पूछेगा, आपको क्या लगता है आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? चुन चुन कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। तो फिर क्या इरादा है तेरा?
किस चीज को लेकर? अपनी जिंदगी को लेकर। अरे मुझे क्या हुआ है? तूने कुछ करना है जिंदगी में या बाप की तरह ही? हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों लाती हो बीच में? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई तो वहां से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया। अब मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ तो? मगर क्यों करना चाहती हो कोशिश? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तो तू क्या चाहता है कि तू सारी जिंदगी इसी तरह? ऐसा कहा है मैंने। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? ये मैं नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि जिस काम मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तेरी। रुक जा मामा। रुक जा, उठने दे मुझे इससे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर ऊंघने में, तस्वीरें काटने में और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर। घर? इसे घर कहती हो तुम? तो तू क्या समझ कर रहता है यहाँ? मैं इसे देख अशोक, मम्मा के ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मतलब मैं नहीं जानता, मतलब तू चली गई इस घर से। अरे मैं तो अभी यहीं रहता हूं। तो फिर क्यों नहीं तू भी? कैसी बातें कर रही हो मम्मा? कैसी बातें कर रही? इस घर में लोग मुझे समझते क्या है? एक मशीन जो आटा पीस कर दिन को रात और रात को दिन करती रहती है, लेकिन किसी के दिल में जरा सा भी यह ख्याल नहीं है कि कैसे मैं आप आइए आइए आइए। ये मेरी बड़ी लड़की है, अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। ओ, अच्छा अच्छा, तो ये है वो लड़की। तुम चर्चा कर रही थी इसकी, इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? नहीं 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 नहीं, वो तो शायद मिसेज माथुर की लड़की का हुआ था। तो पर हुआ था किसी लड़की का? हाँ, इधर आ जाइए सोफे पर। ऐसा होता है कि इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अरे रे 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 रे, 5 मिनट है साथ में, और उनका अनुरोध था कि 7 बजे तक अवश्य पहुंच जाओ। कई लोगों को बुला रखा है विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने कुछ बताया था इसके बारे में? किस कॉलेज? अभी कॉलेज में नहीं है। अच्छा अच्छा, बताया था। आओ ना बैठो ना। बैठ जा, खड़ी क्यों है? मैं चाय का पानी रख के आती हूँ, ये जल्दी चले जाएंगे। नहीं, सुनो, चाय वाय नहीं इस समय। वैसे भी मैं बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर डाइजेस्ट में के अधिक चाय पीने से ये रीडर डाइजेस्ट वाले भी कमाल की चीज निकाल के लाते हैं। और अपने यहाँ तो ये कहानियां वो कहानियां, कोई ढंग की पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। वो एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिन, वो भी कह रहा था कि ऐसा है मामा की बैठने आप एक प्याले भी नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है अपनी कंपनी के, सो सभी देशों के लोग मिलने के लिए आते रहते हैं। जापान से तो अभी पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने तो सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी मैं उस दिन जापान की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था कि मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा है बैठा भी। आप अगर कॉफी लेते हो तो? ना चाय और ना कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में? यह आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात है, तब की, जब मैं विश्वविद्यालय की साहित्य सभा में मंत्री हुआ करता था। क्या दिन थे, और साहित्यिक गतिविधियों में मेरी रुचि आरंभ से ही थी। जी ऐसा है कि तू बैठा भी, मैं थोड़ा मीठा लेकर आती हूँ। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। मुझे नहीं देखा? नहीं, फिर भी किसी इंटरव्यू में? जी नहीं तो नहीं। अब फिर भी लगता है कि कहीं देखा है। चलो कोई और होगी, पर बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। ये विचित्र बात नहीं है क्या? क्या
कि दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं। हमारे एक अंकल हैं और पीछे से देखो ना तो पूरे मोरारजी भाई लगते हैं। हमारी आंटी है, गर्दन को उठ कर देखो तो मधुबाला लगती है। होते हैं बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जीवन की विचित्रताओं की ओर अगर हम ध्यान देने लगे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ रहते, मैं कहीं भूल तो नहीं आया घर पर ही कि नहीं, ये पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, सब कुछ दिखता है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी वो, उसकी बात नहीं कर रहे थे? कॉफी पीने के संबंध में कोई घटना सुना रहे थे? वो ऐसा था कि मैं सुना तो क्या बात है। तो उस विषय में कुछ सोचा आपने? किस विषय में? वो जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो तो। बहुत स्वादिष्ट है, याद है ना आपको? याद है। अब कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपनी किसी कजिन के लिए कहा था ना? नहीं, वो तो शायद मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। पर तुमने किसके लिए कहा था? अशोक के लिए। इसके लिए क्या पास किया है इसने? बीकॉम? नहीं, बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसलिए। अच्छा, बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में, एयर फ्रीज में। अच्छा, बताया था कुछ। तो याद रहेगा ना आपको? वहाँ दूर क्यों बैठे हैं आप, इधर आ जाइए। जी मुझे जरा, तो ऐसा है कि अच्छा, तो जलवायु ही देश का कुछ ऐसा है, अब क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इटली। अभी पिछले वर्ष काफी यात्रा पे रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूम कर देखा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वो और किसी देश में नहीं मिली। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता क्या है? बहुत स्वादिष्ट है। अरे कहाँ से लाती हो? अरे 7-5 हो गए। यही कोने पे एक दुकान है। दुकान? कौन सी दुकान? अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना इन दो दृष्टियों से, वो अमेरिकन भी यही बता रहा था कि जितनी विविधता इस देश में खान पान और पहरावे में है वही क्या, अब तो सभी देश इस बात को स्वीकार करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि विश्व में शीत युद्ध को कम करने में अगर कोई हमारी वास्तविक देन है तो तुम अपनी साड़ी को लो, कितनी साधारण है। फिर भी अगर हमारे यहाँ ये हड़तालों वड़तालों का चक्कर ना चलता तो आज हमारा वस्त्र उद्योग, तुमने वो नोटिस देखा जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है, कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। अब हमारे यहाँ तो डीए पहले ही इतना अधिक है कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बात शुरू कहाँ से की थी? इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। नहीं, पर उसके बाद खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, वस्त्र उद्योग, हड़तालें, डीए। बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत हो गया मीठा, इतना और क्या चाहिए। तो आपको याद रहेगा ना इसके विषय में? जरूर, किसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। हाँ, जरूर। बीएससी में कौन सा डिवीजन था जी आपका? कौन सा? तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। अच्छा, देखूंगा,
ये बहुत समय हो गया, अब चलना चाहिए। तुम घर पे आओ ना किसी दिन, बहुत दिन हो गए आई नहीं। मैं भी सोच रही थी आने को देने के लिए। हाँ हाँ, बेबी भी पूछती रहती है कि आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती है ना अपनी आंटियों से, अम्मा के ना होने से बेचारी। बड़ी प्यारी बच्ची है, मैं किसी दिन पूछ लूंगी आपसे। इससे भी कहूंगी अगर आके मिले एक बार तो। किसे? इससे? ना ना, अशोक से। अच्छा अच्छा, तुम तो आओगी ही, तुम ही को बता दूंगा। ये जा रहे हैं अशोक? ओह, जा रहे हैं आप? हाँ जी जा रहे हैं, सोचा नहीं था कि इतनी देर रुकूंगा। तो तुम नहीं करती नौकरी? जी नहीं। आप करना चाहती है? करना चाहती है ना? हाँ नहीं, लेकिन डरती है। डरती है? हाँ, अपने पति से। पति से? हाँ, उसे पसंद नहीं है। कौन, ये लड़की? नहीं नहीं, इसका नौकरी करना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो आपको याद रहेगा ना? है, किसके लिए? इसके लिए? मेरे लिए। जरूर जरूर, तुम तो आओगी। तुमसे ना कुछ जरूरी दफ्तर की भी बातें करनी है, वही जो यूनियन यूनियन का झगड़ा है। मैं तो आऊंगी ही, लेकिन इससे अगर ये भी एक बार मिल ले आके तो। अच्छा ठीक है, जरूर है। एक बात बताएंगे आप, ये जो हड़तालें हो रही हैं सभी क्षेत्रों में आजकल, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ रे? उन्होंने क्या पूछा है? अरे हुआ कुछ नहीं, कीड़ा एक। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ लिया। इतने तरह का कीड़ा पाया जाता है। मसल दिया। मसल दिया? शिव 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 शिव, ये हिंसा की भावना बहुत है इसमें। कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही, और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है, मूल्यों का। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि बैठ जाओ तुम। मैं साथ चल रही हूँ सड़क तक। इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए। तुमने वो भाषण सुना है आजकल, वो जो आए हुए हैं, क्या तो नाम है उनका? निरोध महर्षि। अच्छा अच्छा, यही नाम है, यही नाम। बहुत अच्छा भाषण देते हैं और जन्म कुंडली भी बनाते हैं। पर वैसे भाषण, वाह वाह निरोध बाबा। और ये किस लिए? एक्टिंग देखी? किसकी? मेरी। तो क्या तू उल्लू बना रहा था उसे? पता नहीं कौन किसको उल्लू बना रहा था। क्यों? अरे उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा है उस 5,000 तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है? क्यों नहीं है? ये सिर पे क्या बना रखा है? सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं सींग नहीं होते। एक मिनट जाएगा बाहर? क्यों? उनकी गाड़ी खराब हो गई। क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। अरे अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। अगर सचमुच दिला दी ना उसने नौकरी, तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा। पता नहीं क्या होने को है इस लड़के। ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। दिखा दिखा तो। ये जो वो बना रहा था। ये क्या बना रहा था? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे उसे भी बस। ये करतूत कर रहा था? क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। इधर आ। अरे गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, लेकिन जहां तक सवाल है इस इंजन का। ये क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है तू क्या बना रहा था? एक आदिम बनना नुस। क्या? एक आदिम बनना नुस। नाटक मत कर, सीधे सीधे बता। देख नहीं रही ये लपलपाती जीव, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन लिया है या नहीं? सुन रहा हूं। सुन लिया है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? कुछ नहीं कहना है? क्या कह सकता हूं? कुछ मत कह, नहीं कहना है तो। लेकिन मैं लोगों को मिन्नत खुशामद करके घर में बुलाऊं और तू घर आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ये अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया है? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों ऐसे लोगों को घर पर?
कि जिनके आने से क्या होता है बोल। रहने दो, मैं इसीलिए चला जाना चाहता था पहले। ना ना, पूरी कर ले अपनी। ठीक है, पूछ रही हो तो बताता हूँ। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं ना अपनी नजरों में, उससे भी और छोटे हो जाते हैं। मतलब वही है जो मैंने कहा है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? तू ही बता, किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 रुपया है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। और तू समझता है कि ऐसे लोगों के आने से घर के लोग छोटे हो जाते हैं? हाँ, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें बुलाती हूँ क्योंकि पता नहीं किस लिए बुलाती हूँ, मगर बुलाती हमेशा ऐसे ही लोगों को। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हूँ? इसलिए बुलाती हूँ कि किसी तरह इस घर का कुछ हो सके, क्योंकि मेरी अकेली के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, और वो बोझ मेरे साथ कोई ढोने वाला हो सके। लेकिन अगर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी ये कोशिश। हाँ, ये कहकर कि अब मैं इस घर की जिम्मेदारियां अकेली उठाती नहीं रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे घर में बैठा है, और दूसरा अपनी कोशिशों से तो बहुत दूर, मेरे माथा फोड़ने से भी कहीं ठिकाने लगना अपना अपमान समझ सकता है, ऐसे में मुझसे भी नहीं निपट सकता। किसी और को परवाह नहीं है इस चीज की किसी घर में, तो मैं ही क्यों अकेली चीखती रहूं अपने आप को? मैं ही क्यों ना सुरखरू होकर बैठ रहा हूं? उससे तो तुम लोगों में से कोई छोटा नहीं होगा। बोल अब, जवाब दे, अपने बड़प्पन से अपनी जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? बात को रहने दो मामा, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम जिससे मैं क्या बोल, जो कहना है कह। कुछ नहीं कहना मुझे। तू नहीं कहना मुझे, दिन भर बैठ के तुलसी पे तकी लेता है, है? कितनी तातिया ताती मुन्ने ने। कुछ नहीं कहना था तो पहले ही अपनी जबान क्यों नहीं? मामा तुम रुको, मैं बात करती हूँ उससे। देख अशोक, बिन्नी तेरा सब बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। मगर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। अशोक ये तू भी जानता है कि मम्मा नहीं आज तक कर रही है बात। तू इधर आ जा, कोई जरूरत नहीं बात करने की इससे। क्यों पूछ रही है उससे ये बात? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई बात करने की। आज वो वक्त आ गया है जब मुझे कोई ना कोई फैसला आपने लिए जरूर कर लेना चाहिए। अशोक मैं कहना नहीं चाहता था। तो क्यों कह रहा है? कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभता इनसे ये सब तो क्यों निभाई जाती हैं? इसलिए निभाई जाती हूं क्योंकि क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर के अंदर। तो तू सोचता है कि जो कुछ मम्मा यहाँ करती आई है? मैं पूछता हूँ क्यों करती हैं, किसके लिए करती हैं? अरे मेरे लिए करती थी। तू तो घर छोड़ के चली गई। किन्नी के लिए करती हैं? वो दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती हैं? और उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। सबसे ज्यादा तो वो तेरे लिए करती है। और शायद मैं ही इस घर का सबसे बड़ा नकारा हूँ, मगर क्यों हूँ ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है ना। बोल, तू ये घर छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ये घुट्टी कमजोर नहीं लगती? तू भी ये कहता है कि मैंने कहा था तुझसे मत कर बात। पता है ना तूने क्या बात कही है? पता है ना? ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच लेना। मेरे पास बहुत ज्यादा दिन नहीं है जीने को, लेकिन जितने हैं उन्हें इसी तरह बोझ ढोते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरे लिए तो एक निश्चित अंत है उसका, निश्चित अंत। अपना
विस्तृत दिल की प्रस्तुति आधे अधूरे। आभार सावित्री थिएटर ग्रुप। लता पदा संप्रदाय डांस क्रिएशन। निर्मिति सहाय नैमेश नानावटी। रंगभूषा अखिला जोग। वेशभूषा नमिता दांडेकर। मंच सज्जा सुमन घई। सजावट डॉक्टर शैलजा सक्सेना। ध्वनि संयोजन प्रकाश योजना सुलक्षण मोहन केयूर शाह। मंच नियोजन शबा श्रृंगी। पार्श्व संगीत दीपक संत। श्रेय नामावली देवेश शंकर डॉक्टर शैलजा सक्सेना। अन्य कार्य नियोजन विजय विक्रांत। प्रवेशानुसार पात्र परिचय सावित्री पूर्णिमा मोहन महेंद्रनाथ विद्याभूषण धर। बिन्नी अनुभा झा शंकर। किन्नी आंचल सहगल। अशोक उदय चौहान। सिंघानिया निर्मल सिद्धू। जगमोहन मिलिंद करंदीकर। जुनेजा विवेक गुड़वणे। निर्देशक प्रकाश दाते। हिंदी राइटर्स गिल्ड की प्रस्तुति आधे अधूरे। जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं उधार में एक फोन भी कराया। कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई तेरी? नहीं। तो? जुनेजा अंकल से हुई। क्या कहा उन्होंने? बात हुई, उसका मतलब ये नहीं है कि। अरे मेरा मतलब है डैडी के घर आने के बारे में। हाँ, कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। तो तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही सुबह से सैंडविच वैंडविच बनाकर। मैंने सोचा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसलिए बना रही है। तुझे बताया नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए शायद। चीज सैंडविच दोनों को बहुत पसंद है। जुनेजा अंकल को भी पसंद है। वे आएंगे, उन्हें खिला देना। कहा है वे आएंगे? हाँ, मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। 6:30 तक आ जाए शायद। मम्मा का मूड वैसे ही खराब है, उस पर से वे आकर बात करेंगे तो। देखा था मम्मा का चेहरा सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं तो पढ़ा ही नहीं सामने। रात से ही दुखी बैठी थी, सुबह से तो इतनी चुप। मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। बात हुई थी तेरी कुछ उनसे? हाँ, यही चाय वाय के बारे में। साड़ी तो बहुत अच्छी बांध कर गई है, जैसे किसी के ब्याह का न्योता हो। देखा था तूने? हाँ, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। अरे मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी शायद। कहकर तो गई है कि 5:30 तक लौटेंगी। तूने पूछा था? हाँ पूछा था। मैं सोच रही थी कि फिर इसी मुताबिक मैं भी अपना कुछ प्रोग्राम बनाती, पर पता कुछ चला नहीं। किस चीज का? यही कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहकर तो गई है कि 5:30 तक लौटेंगी, पर उनके चेहरे से लगता था जैसे 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 मन में कुछ फैसला कर लिया। अच्छा नहीं है? तू इसे अच्छा कहता है? इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी, जो चीज बरसों से एक ही जगह रुकी है वो रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच ही जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तो तेरी बातों से डर लगने लगा है आजकल। पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? पता नहीं, पर सही भी तो नहीं लगती। हालांकि अच्छा छोड़, ये डब्बा खुलवा दे जरा। ये डब्बा स्टील कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? कोई और चीज नहीं है?
ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद को इतनी बेगानी महसूस करने लगी हूँ आजकल इस घर में। पहले नहीं करती थी? पहले पहले तो मैं महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और जब कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो पहला ही मौका मिलते इस घर से चली गई। तू फिर कल वाली बात कर रहा है? बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने आप को बेगाना महसूस करता हूँ इस घर में, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? हाँ, महसूस शायद पहले भी करता था, मगर सोचना तभी से शुरू किया है। और सोचकर जाना है कि एक खास चीज है इस घर के अंदर जो तो भी यही कहता है कि तो और कौन कहता है? कोई भी। अच्छा बता, क्या चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? अरे तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? तूने मुझसे जाना है उसे? मैं तेरा मतलब नहीं समझी। ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले इंसान, अपने आप को कैसे दे? तू तो बस हमेशा ही। अच्छा देख, मैं कहना चाह रही थी, चल छोड़, ये डब्बा खुलवा के ला दे। हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? अभी खुल जाता है ये। तेज औजार चाहिए, एक मिनट नहीं लगेगा। कैसे कहता है? क्या सचमुच मैं जानती हूँ कि सचमुच जानती हूँ मैं? किन्नी, अरे ओ किन्नी, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं कब घर पे रहती है कब बाहर रहती है। सुबह से हल्ला कि जब तक सामान नहीं आएगा स्कूल नहीं जाएगी, और अब देखो पता नहीं कब घर पर है कब बाहर है। किन्नी चल अंदर। कहाँ है? अंदर चल। ये क्या हो रहा है? देख लो बिन्नी दी, मुझे इधर आना, पता चलता है तुझे क्या किया है इसने। जो तू ये ले, डिब्बा ले, खुल गया है, और इससे तो आज मैं सिर फिर गया है क्या तेरा? फिरा नहीं, फिर जाएगा। बाय जो बात क्या हुई है इसी से पूछ। माय गॉड, क्या हुई है बात? किड्डी क्या कर रही थी तू? बताना क्या कर रही थी? कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। क्या? इसी से पूछ। बोल किन्नी, अब क्या जबान तेरी सिल गई है? सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह से आपस में। क्या? पूछ ले इससे, सब बता देगी तुझे, जो बाहर बता रही थी सुरेखा को। वो बता रही थी मुझे कि मैं बता रही थी उसे? तू बता रही थी। वो बता रही थी। तू बता रही थी, और अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ तो। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी। तू भागी थी, और मैंने पकड़ लिया दौड़कर, तो लगी आस पड़ोस को सुनाने कि मम्मा से इसकी शिकायतें मैं करता हूँ, और मम्मा घर पर इसे वैसे पीट रहा हूँ। ये सच कह रहा है? बात सुरेखा ने शुरू की थी, वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे बड़ा शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। अशोक, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी ना किसी बात पे पीट देता है मुझे। पर क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे नहीं ले जाने देती। उसे देने? किसे देने? वो जो है इसकी, कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां देता उसे, कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। ये सच कह रही है? ऐसे ही बक रही है, झूठ मूठ। झूठ मूठ? मेरा फाउंटेन पेन क्या तेरी वरना के पास नहीं है? अरे अब ये वरना कौन है? वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल के रहूंगा। अशोक, आज मैं नहीं छोड़ने का इसे। इसकी जबान जिस तरह से खुल गई है ना। वो उद्योग सेंटर वाली। मम्मा तुम आ गई, आओ बैठो, मैं चाय लेके। अशोक, चाय पत्ती खत्म हो गई है। मुझे मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए चाय। अरे सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। मेरे लिए नहीं। चाय का पानी रख दिया है, सिर्फ चाय पत्ती लानी है। खुद के लिए बनानी है बना ले। तो
तो क्या मैं अकेले ही चाय पीऊंगी? सुबह से चीज सैंडविच बना रही थी। मेरा मन नहीं है, मुझे किसी के साथ चाय पीने बाहर जाना है। क्यों, तुम इस वक्त घर पे नहीं रहोगी? नहीं, जब मोहन आएगा लेने। वे यहाँ आएंगे? हाँ, क्यों नहीं, वे भी आने वाले हैं। जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता आने वाले? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। अरे फिर भी, वे अगर आएंगे ही तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, तब तक लौटूंगी, पता नहीं। और अगर वे कहें कि इंतजार करते हैं तो करने देना इंतजार। अच्छा, कब तक सोचती हो लौट आओगी? पता नहीं, बात करने में देरी भी हो सकती है। वे पूछे किसके साथ गई हो, कहाँ गई हो? तो कह देना बताया नहीं, या कह देना जगमोहन के साथ गई। कितना गंदा पड़ा है सब। अच्छा, मैं समेट रही हूँ सब कुछ। ये बताओ, बताना सही रहेगा उनको? क्यों? ऐसे ही वे जाकर खामखा डैडी को बताएंगे तो क्या होगा? होगा क्या? यही कि एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी करने तो नहीं जा रही। मम्मा, तुम्हें तो पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को। तेरे डैडी पसंद भी करते हैं किसी को? पर फिर भी थोड़ा जल्दी आ जाओ तो। पता नहीं, बात करने में देर नहीं हो सकती है। जगमोहन को कई काम थे जो उसने कैंसिल किए हैं मेरी वजह से। बेकार आदमी नहीं है वो, जब जी चाह बुला लिया, जब जी चाह कहा चले जाओ। मैं जरा जा रहा हूँ बिन्नी। अब तू कहाँ जा रहा है इस वक्त? यहीं तक जरा, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो क्या जुनेजा अंकल के आने पर मैं अकेले ही आ जाऊंगा? तब तक शायद। शायद नहीं, आ ही जाऊंगा। अच्छा अशोक, अरे अशोक, चाय पत्ती तो देता जा। बिन्नी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी। ये सब समेट लू पहले, जगमोहन अंकल के आने से पहले सोच रही थी कि मुझे जरा सी ही बात करनी। अच्छा ठीक है, बताओ। अगली बार तेरे यहाँ आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। कैसी बात कर रही हो मामा? हाँ, जगमोहन को आज मैंने इसीलिए फोन किया था। तो अब जो भी हो, मुझे पता ही था एक दिन आना ही था ऐसा। फिर भी तो तुमने सोच लिया है? हाँ, सोच लिया है। जा तू। ठीक है, पर एक बार और सोच लेती तो। कब तक सोचूं? किस किस का सोचूं? इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, दिन पर दिन, साल पर साल, सबका सोचूं। कब तक सोचूं? कब तक? समझो यानी कि नहीं। नाउ, बस 2 मिनट रुका था पोल स्टार में, डिजाइन देना था उनका, फिर घर गया, नहाया और सीधा सीधा कहते हो ऐसे?
तुम नहीं बदली बिल्कुल, उसी तरह डांटती हो आज भी, पर बात इतनी सी है कुकु डियर, इस दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती, इसलिए सोचा कि। लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना बिना एक मिनट भी जाया किए। अरे जाया कहाँ किया, एक मिनट भी सिर्फ पोल स्टार में दो मिनट। रहने दो, अब तुम्हारी बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। कह लो जो जी चाहे कह लो, बिना वजह लगाम खींचे जाना ये मेरे लिए भी तो कोई नई चीज है क्या? बैठ रहे हो, चलना नहीं? अरे एक मिनट, चल ही रहे हैं बस, बैठो तो सही। जिस तरह फोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि जैक। क्या बात, क्या है कुकु? मैं वहां पहुंच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ सारी उम्र। आज मुझे लगता है कि परेशान नहीं होते इस तरह। मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि क्या घर पर नहीं है कोई? पिनी है अंदर। ओह यही है वो? हाँ। उसका तो सुना था मैंने। हाँ पर आई हुई है कल से। तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए। अब आ ही रही होगी बाहर। देखो अब मुझे तुमसे बहुत बहुत सी बातें करनी है। अरे सुनने के लिए ही तो आया हूँ मैं। तुम फोन पर ही तुम्हारी आवाज से मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत वो थी उस वक्त। वो तो तुम इस वक्त भी हो। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। आज आज मेरी जो हालत है। ऐसी बात, ये कोई कहने की बात है? अब फिर भी मुंह से निकल जाती है। देखो तुम जानते हो एक तुम ही हो जिस पर मैं। ऐसी बात करती हो, ये कोई कहने की बात है? हाँ पर ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही कहूंगी। एक सुझाव है मेरा। बताओ। बात यही कर लो जो करनी है। ना ना यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे। हाँ तुम अगर कुछ ऐसा समझते हो मेरे साथ चलने में तो। कैसी बात करती हो, तुम जहाँ भी कहो चलते हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। हाँ तो बताओ कहाँ चलोगी? जहाँ भी तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझू? हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी। गिंजा, गिंजा कैसा रहेगा? वहाँ वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद। पूछो नहीं यही कहो गिंजा। या यॉक्स, वहाँ इस वक्त ज्यादा लोग नहीं होते। अरे मैंने कहा ना। या वहाँ चले जहाँ के कबाब तुम्हें बड़े पसंद थे, मैं तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। वहाँ वैसे जाता नहीं मैं वहाँ, पर तुम्हारा मन वहीं के लिए हो तो चल भी सकते हैं। देखो एक बात तो मैं तुम्हें बता ही दूँ चलने से पहले। क्या बात? मैंने एक फैसला कर लिया है मन में। वैसे उन दिनों भी तुमने सुनी होगी ऐसी बात मेरे मुंह से, पर अब सचमुच कर गया है। वहां क्यों चले गए? कुछ नहीं, ऐसे ही एक किताब देख रहा था। तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात का। सुन रहा हूं मैं। देखो मेरे लिए तो पहले भी असंभव था यहाँ ये सब सहना, तुम जानते ही हो, पर अब आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। तो मतलब है कि ठीक सोच रहे हो तुम। जैक मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना अफसोस रहा है इस बात का जिंदगी में कि मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। देखो कुकु सच पूछो तो मैं आजकल सोचता ही नहीं उस बारे में। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ हो तो सोचे भी कोई।
हाँ वही तो। पर ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना, होता है ना? हाँ बहुत होता है, इसीलिए कह रही हूँ कि मम्मा अंदर जो स्त्री के लिए कपड़े रखे हैं। ओ हेलो अंकल। ओ हेलो हेलो, अरे वाह ये तू ही है क्या? क्यों आपको क्या लग रहा है? अरे इतनी सी थी तू तो अब कितनी बड़ी नजर आने लगी हो। हाँ ये चेहरा निकल आया है। याद है उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी? पता नहीं किन दिनों। याद है कैसे एक बार काटा था उसने मेरे हाथ पर? बड़ी शैतान थी। सारी शैतानी धरी रह जाती है आखिर। आप बैठिए मैं आती हूँ। अरे अरे भाग कहाँ आ रही हो? मैं आ रही हूँ बस अभी आ रही हूँ। इतनी गदराई हुई लड़की थी, गाल भी इस तरह फूले फूले थे कि सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पर मैंने तो सुना था कि उसने अपनी मर्जी से। हाँ अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का ही तो ये फल है कि। पर बात तो काफी बड़प्पन से करती है। हाँ, ये उम्र और इतना बड़प्पन, तो चले फिर। जैसा तुम कहो। ठीक है तो मैं पर्स लेकर आती हूँ। कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो कब तक लौट आऊंगी मैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि इससे उसी तरह कह जाऊं ताकि। वो तुम पर है, जैसा भी चाहे कह दो। तो कह देती हूँ शायद थोड़ी देर हो जाए। कोई और आने वाला है उसे भी बता देगी। कोई और भी आने वाला है? जुनेजा वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो सब। बिन्नी बिन्नी कहाँ चली गई ये लड़की? बिन्नी पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की भी। अब चलो और थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। ना 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 ना, अगर वो आदमी आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आज ही अभी। ठीक है, एट योर सर्विस मैडम। अरे पर ये घर ऐसे अकेला छोड़ जाओगी? नहीं अभी आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी कहो। मेरे लिए तो ये घर। मामा बिन्नी दी कहाँ गए सब लोग? अरे किन्नी क्या हुआ, तू कब आई? कहाँ थी तुम? मैं रसोई में चाय बना रही थी। ये तुझे क्या हो गया फिर? सुरेखा की मम्मी ने डांटा मुझे, बहुत डांटा। क्यों? चलो तुम मेरे साथ। कहाँ? सुरेखा की मम्मी से झगड़ा करने के लिए। अब फिर क्या कर दिया तूने? चलो तो सही। अरे मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? कहा है ना नहीं चल सकती। नहीं चल सकती तो बाहर में जाओ। तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? नहीं आता मुझे तमीज से बात करना। सारी तमीज मुझे ही दिखानी है क्या यहाँ? अभी तू रोना धोना बंद करेगी? नहीं। रोती रह बैठ के फिर। पीछे का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अरे अंकल आप, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते थे, आज पीछे के दरवाजे से। मैं तो उसी दरवाजे से आता, लेकिन
इसे क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठी है? किन्नी, किन्नी देख जुने जी अंकल आए हैं, आकर बात तो कर इनसे। अरे 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 अरे, ये तो रो रही है। क्या हुआ बेटे? किसने नाराज कर दिया? उठो उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए हो इसलिए। हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। हम नहीं आएंगे लौट कर अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती। सावित्री कहीं बाहर गई है क्या? जी बाहर गई है, पर आप बैठे ना अंकल। मैं कुछ देर पहले ही आ गया था, मगर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ देर पीछे की तरफ घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यहीं पे ट्रांसफर होकर आया है। वो ऐसे ही आया था मिलने या? मुझे नहीं पता अंकल, मामा को पता होगा शायद। अशोक ने भी कुछ जिक्र नहीं किया मुझसे, चलो उसे भी पता नहीं होगा शायद। अशोक मिला है आपसे? हाँ बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो कहने लगा आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। मुझसे कहने लगा आप भी चलिए मेरे साथ, दोनों साथ लौट कर आते हैं। मैंने सोचा जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊं, और उसे भी जिस हाल में छोड़कर आया हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं अंकल? डैडी की? हाँ महेंद्र नाथ की ही। एक तो सारी रात सोया नहीं है वो, और दूसरा उनकी तबीयत तो ठीक है ना अंकल? तबीयत भी ठीक नहीं और वैसे भी। अंकल आपके लिए चाय बनाओ। अरे किसके लिए बनाई थी इतनी सारी चाय? लगता है किसी ने पी ही नहीं। ये मैंने बनाई थी, सोच रही थी कि। अच्छा अच्छा अच्छा, वे लोग जल्दी चले गए होंगे। अशोक ने कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके लहजे से ही मुझे लग रहा था कि। अंकल चीनी? चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वो शायद इसलिए मुझे अपने साथ ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। अंकल दूध कितनी डालूं? हमेशा जितना। कुछ नमकीन लाओ अंदर से। नहीं लीजिए अंकल चाय लीजिए। और कहाँ कहाँ घूमा है इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। हाँ गया था बाहर, लेकिन किसी नई जगह नहीं गया था। सुषमा कैसी? ठीक है अपने घर में। कोई बच्चा बच्चा? नहीं अभी नहीं। अंकल कुछ बात कीजिए ना, आप तो एकदम चुप बैठे हैं। क्या बात करूं बेटे? कुछ भी। सोचकर तो बहुत सी बातें आया था, सावित्री होती तो कुछ बात कर भी लेता, लेकिन अब तो लगता है बेकार ही ऐसा। एक बात पूछूं आपसे अंकल? हाँ बेटे। डैडी को कहीं फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा है ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने की बात है। आप उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं है अंकल? कोई समझा सकता है उसे? वो इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि। ये आप कैसे कह सकते हैं अंकल? क्यों तुझे लगता है ये बात सही नहीं है? पर कैसे सही हो सकती है? आपको पता नहीं है अंकल हमने क्या क्या गुजरते देखा है इन दोनों के बीच इस घर में। देखा जो कुछ भी हो। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने वाली बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं किसी चिड़िया घर के पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या क्या होता रहा। डैडी का खींचते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने के कमोड पर ले जाकर। बयां भी नहीं कर सकती अंकल क्या क्या भयानक दृश्य देखे हमने इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी ये सब देखता जानता तो वो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग
तुमने कोई नई बात तो नहीं बताई मुझे? महेंद्रनाथ खुद ये सब कुछ मुझे बताता आ रहा है। बताते रहे हैं, अब फिर भी आप कहते हैं कि? हाँ, फिर भी कहता हूँ कि वो उसे बहुत चाहता है। कैसे कह सकते हैं आप ये अंकल? दो लोग जो दिन रात एक दूसरे का जान नोचने में लगे रहते हो। बेटे, मैं दोनों की नहीं, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप सचमुच मानते हैं कि? बिल्कुल मानता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए महेंद्रनाथ जिम्मेदार खुद है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सुबह से ही गिड़गिड़ाकर मुझसे नहीं कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं सावित्री से बात कर उसे समझाऊं। मैं इस वक्त अगर यहां नहीं आया होता तो पता है क्या होता? क्या? महेंद्रनाथ खुद यहां चला आया होता, बिना परवाह किए कि इस ब्लड प्रेशर में यहां आकर उसका क्या हाल होता। और ऐसा पहली बार नहीं होता, तू तो जानती ही है। मेरे मन में कई विश्व एक भरोसा था कि मेरे बात करने से ही कुछ बात बन जाए, लेकिन यहां आकर जब न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ अपने आप को, मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। अंकल, आप क्या डैडी को जाकर ये सारी बात बता देंगे? कौन सी बात? यही जगमोहन अंकल के आने के बाद। क्यों, नहीं बतानी चाहिए? अंकल ऐसा है कि मैं ना भी बताऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो बैठ बिन्नी। अंकल क्या सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? एक दिन के लिए हो सकता है, दो दिन के लिए हो सकता है, मगर हमेशा के लिए क्या? यार इसमें ये नहीं हो सकता कि ये लोग दोनों? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ भी। चलो, लगता है मामा आ गए हैं। हाँ। चल अंदर, चल ना। तू हटेगी कि नहीं? नहीं हटूंगी। उस वक्त तू घर पर नहीं थी और अब कहती हो कि झोम चढ़ने लगा है तुझे? हाँ, चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं होती चलकर उससे पूछने की। तो सांस तो लेने दे उन्हें, अभी अभी तो आई है। तुम बात मत करो, मिट्टी की लौंदी की तरह हिली ही जब मैंने क्या कहा तूने? क्या कहा मैंने? पूछो इनसे, जब मैंने बताया था तो। फिर से कहे वही तो बात जो तूने कही अभी। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे। अरे अरे छोड़ दो बच्ची को, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है। आप बीच में मत पड़िए। देखो मैंने कहा है ना, बीच में मत पड़िए, ये मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। चुपचाप चली जाए इस वक्त अंदर, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खैर नहीं तेरी। जाती है कि नहीं? नहीं जाएगी? तुझसे तो अभी थोड़ी देर में निपटूंगी मैं। अंकल आप बैठिए। नहीं, मैं अभी जाऊंगा। आपको मुझसे कोई बात करनी थी, उसने बताया था। हाँ, लेकिन तुम इस वक्त ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ। आइए आप बैठिए। मम्मा, अंकल बता रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर से खराब हो गई। तेरे डैडी की तबीयत घर से बाहर जाकर कभी ठीक नहीं रहती है। अच्छा, हर बार का यही एक किस्सा नहीं है? तुम आराम से बैठ के बात करो, थकी हुई हो। मैं बिल्कुल आराम से, बताइए आप। देखो ज्यादा बात नहीं करना चाहता तुमसे, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। कहिए। क्या तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को? छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। मैंने बांध रखा है उन्हें अपने साथ? सिवाय आपके और कोई नहीं कह सकता था ये बात। हाँ, क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा यही मानते आए हैं ना कि आप और उसे बेहतर जानते हैं? महेंद्रनाथ के बारे में हाँ,
और इसीलिए कहता हूं कि तुमने जिस तरह शिकंजे में कस रखा है उस आदमी को कि वो बेचारा आज अपने दो पैरों पर चलने के काबिल भी नहीं रहा। अपने दो पैर? अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो, जब से तुमने उसे जाना है तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूं। हाँ, इसीलिए जब मैंने उसे जाना तब तक अपने दो पैर रहे ही नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूं सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। जरूर जानते हो, मगर फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती। जैसे? कैसे? पर बात तो आप करने आए हैं। नहीं नहीं, पहले तुम बात कर लो। बिद्दी बेटे, तू जरा उधर चली जा थोड़ी देर के लिए। सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। लेकिन मम्मा, मैं सोचती हूँ। मैं अगर चाहती हूँ कि तू यहाँ रहे तो किसी वजह से ही चाहती। ठीक है, तो तू यही रह बिन्नी, बैठ जा। तुम भी बैठ जाओ, कहो जो कहना है। कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किन हालात में सचमुच एक आदमी होता है? देखो, पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। यूं तो हर कोई जो एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है आदमी ही होता है, लेकिन असल में एक आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? महेंद्र को सामने रखकर तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि? इसलिए कह रही हूं कि जब से मैंने उसे जाना है उसे हमेशा हर चीज के लिए किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हुए पाया है, और खासतौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूं, यहां जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से सलाह कर लूं, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा फैसला करना है जुनेजा की राय से, यहां तक कि मुझसे शादी करने का फैसला भी उसने कैसे किया जुनेजा के हामी भरने से। सावित्री सावित्री, मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। हाँ, और उस भरोसे का नतीजा कि उसे अपने ऊपर कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो अपने आप में पूरा आदमी है, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। देखो, तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, मगर असलियत इसलिए है कि मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूं। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसे भर सकने की, और इस तरह उसे अपने लिए अपने आप में पूरा होना होता है। औरों के ही पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती, लेकिन आपके महेंद्र के लिए, आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे दूसरों के खाली खाने भरने की वजह है वो दूसरे जो उससे सोचते हैं, चाहते हैं या उम्मीद करते हैं कि उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इस काम को कोई और नहीं कर सकता, महेंद्र कर लेगा। इस बोझ को कोई और नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ ढोलेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री लगी तो भी, खाली खाने भरने की जगह पे महेंद्र नाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। महेंद्र तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वो सोचता था उसका घर भर रहा है। मैं जानता हूं महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इन मामलों में, मगर वजह इसकी मैं थी। यही कहना चाहते हैं ना, वो मुझे ही खुश करने के लिए जल्दी से जल्दी ये लोहा लगकर घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोल देता था। मगर अगर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी,
क्या चीज और कौन आदमी? अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। कहती रहो, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। पत्नी? मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नजर में आपका ही अवसर कुछ छीन लिया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों में बैठकर खेलता नहीं। महेंद्र तो आप पहले वाला महेंद्र ही नहीं रह गया। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की कि वो वही बना रहे किसी तरह, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि महेंद्र पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया। और इसके लिए महेंद्र दिन रात घर के अंदर छटपटाता, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है, दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए जरूरत है उसकी। महेंद्र के बिना कोई पार्टी नहीं जमती ना, महेंद्र के बिना किसी पिकनिक का मजा नहीं आता। दूसरों के लिए जो वक्त काटने का वसीला है वही उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसी का क्यों, उसके सारे घर वालों का यही होना चाहिए। तुम फला चलने से कैसे इनकार कर सकती हो? तुम फला से ठीक तरह बात क्यों नहीं करती? अरे तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। वही क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजिशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच तब्बू बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे बोझ खाएगा, कब किसे भार खाएगा। आज आज वो ताव में आकर अपनी कमीज को आग लगा देता है, कल कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से पटकता है कि बोल 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 चलेगी कि नहीं चलेगी, वो सब नहीं जैसे मैं चाहता हूं। मगर सावित्री, सावित्री फिर भी नहीं चलती। वो ये सब नहीं मानती, वो नफरत करती है इस सब से। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात कहती, कभी इस आदमी को ही आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी झटक कर इसे अलग कर लेना चाहती है अपने आप को। पर अगर जरा सा भी उसकी कोशिशों से फर्क पड़ने लगता है तो दोस्तों में उसका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री महेंद्र की भीख तोड़कर उसे कहीं का नहीं रहने दे रही, जैसे आदमी ना होकर बिना हाथ पास का पुतला हुआ है। बेचारा महेंद्र, बिना हाड़ मास का पुतला या जो चाहे कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वो एक आम आदमी जैसा एक साधारण आदमी है। बस इतनी ही कमी है उसमें। ये आप मुझे बता रहे हैं, जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? साथ जिया जरूर है तुमने, जाना भी है कुछ हद तक, लेकिन उफ़ो। जो जो बातें तुमने कही है अभी वो गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें भी वे नहीं है। आज से 22 साल पहले लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, तुम्हें याद है ना? आप आज ही की बात नहीं कर सकते? 22 साल पहले ना जाने की जिंदगी की बात है वो। मेरे घर हुई थी वो बात, तुम बात करने के लिए ही खास आई थी वहां, मेरे कंधे पे सर रखकर देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि देखिए, अगर आप उन दिनों की बात करना ही चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की क्यों, क्या हर्ज है ये यही रही तो? जब आधी बात इसके सामने हुई है तो बाकी के आधी भी इसी के सामने हो जाने दो। पर अंकल, मैं तुम समझती हो इसके सामने नहीं करनी चाहिए मुझे वो बात? मैं अपने लिए नहीं कह रही थी। ठीक है, कहिए आप। बैठ बिन्नी। हाँ, तो उस दिन
पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह से ढूंढते हुए देखा था जब तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल बच्ची थी उस वक्त। अभी और बच्ची थी या जो भी थी, मगर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज कर रही हो। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने ठीक इसी तरह उधेड़ा था। कहा था वो एक लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, मगर उसे वैसा बनाने वालों के नाम तब दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। ठीक है, उन दोनों की भी कुछ कम देर नहीं है उसे ऐसा बनाने में। लेकिन जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। क्यों नहीं था बता दूं? ये भी देखे बहुत दिनों की बात है, बता देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। मगर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि आदमी की तौर पर तुम्हारी नजर में मैं कुछ बेहतर था महेंद्र से, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसा था और आपका बड़ा दबदबा था इन लोगों के बीच। नहीं 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 नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जो भी था, जैसे भी था, महेंद्र नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली क्यों होती हो? मुझे अपनी बात कर लेने दो। मुझसे तुम उस वक्त क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता था, मगर तुम्हारी बातों से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी काट सकती। हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ अपनी जिंदगी काटती आ रही। हाँ, मगर हर दूसरे चौथे दिन अपने आप को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए और तुम अपने आप को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तुम उसकी इज्जत करती थी, लेकिन उसके बारे में क्या सोचती हो वो अब बता ही चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे चकाचौंध रही तुम्हारी नजरें वो था शिवजी। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, मगर असल बात फिर वही, वो जो कुछ भी था अलग था, महेंद्र नहीं था। और फिर तुमने पहचानना शुरू कर दिया, वो निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। फिर सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली, मगर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर। वो जो कुछ भी था और उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। शिकायत तो तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वो सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख से सख बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वो ट्रांसफर होकर चला गया यहां से, वरना ये खामखा का ताला वाला क्यों बुन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते? असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो 2-3 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी कोई शिवजी, जगमोहन या जुनेजा होता जिसकी वजह से तुम यही सोचती, यही महसूस करती। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, और वो उतना सभी कुछ तुम्हें कभी भी किसी एक जगह पर न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही बेचैन, इतनी ही खाली रहती, और वो आदमी भी तुम्हें अपने आसपास सर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता और तुम तुम हंस रही हो या रो रही हो? पता नहीं, हंसी रही हूं शायद। आप कहते रहिए। आज महेंद्र एक कूदने वाला आदमी है, मगर एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, लेकिन
ये तब की बात है जब कोई उस पर ये साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वो हीन और छोटा है, इससे उससे मुझसे सभी से। जब कोई उसे ये बताने वाला नहीं था कि जो जो वो नहीं है वही वही उसे होना चाहिए और जो वो है। एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच या किसी और के साथ भी कुछ गुजरते हुए देखा है? वो भी देखा है, देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ भर लेना चाहती थी उसमें जो कुछ भी था वो धीरे 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 सरता चला गया और तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया। उस डर के मारे तुम कभी घर का दामन थामती रही, कभी बाहर का, और फिर वो डर एक दहशत में बदल गया और उस दिन तुम्हें एक जोर का झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? मनोज। मनोज? हाँ मनोज। मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की अपनी आखिरी कोशिश में। मगर तुम तो एकदम बौरा गए जब तुमने पाया कि वो उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी ही लड़की को लेकर रातों रात इस घर से। ये आप क्या बात कर रहे हैं अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, क्योंकि मनोज को तुम अब भी उतना नहीं जानती जितना। ये जानती है इसलिए आज ये उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। क्यों, ठीक है ना? ये बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी, कभी महेंद्र को ही चाबुक लगाने की, कभी अशोक को झकझोरने की, कभी इन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा पा सकूं। ऐसे में पता चला जगमोहन यहां लौट आया है, आगे के सभी रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ मुड़ना चाहा। आज बाहर गई थी उसके साथ, क्या क्या बात हुई? आप समझते हैं आपको मुझसे कुछ भी पूछने का, कुछ भी जानने का हक हासिल है? ना सही, मगर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूं कि क्या क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज, उसने कहा उसे बड़ी हमदर्दी है तुमसे, तुमने कहा अब जैसे भी हो इस घर से मैं छुटकारा पा लेना चाहती हूं, उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ दिन पहले पहुंच सकी होती, तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो ही सकता है, उसने कहा वो चाहता है हो सकता मगर आज इसमें बहुत सी उलझने सामने हैं, बच्चों की जिंदगी को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, और ये भी कि इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने आप को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है इस समय। तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंखें पूछती रही, उसके मुंह से ही यह निकला कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके साथ गाड़ी में आ बैठी। लौटते हुए उसने यह भी कहा शायद कि अगर तुम्हें कुछ रुपए पैसों की जरूरत हो इस वक्त तो। बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था आपसे उससे कहीं ज्यादा सुन चुकी हूं मैं, बेहतर यही होगा कि अब आप यहां से चले जाएं, क्योंकि मम्मा, क्योंकि जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का मैं सही सही अंदाजा लगा सकता हूं, इसलिए। अरे उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कुछ कहा होता। वो कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार दिया। तुम मन में एक घुटन सी लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया, क्योंकि जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हुए हाथों का घिचघिचा पसीना और बस सबके सब एक जैसे हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो, अगर पीछे से हटकर आगे, दाएं से हटकर बाएं, उस कोने से हटकर इस कोने तक,
क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? बोलो ना, आया है कहीं नजर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे क्या करना है मम्मा, खोलना है दरवाजा? रहने दे अभी। अरे लेकिन इस तरह बंद रखोगी? मैंने कहा था ना, मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। मैं सोच रही हूँ दरवाजा खोल ही देती हूँ। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मानकर तो यही चलती हो। इसलिए बहुत कुछ छाते हुए भी मुझे अब कुछ भी संभव नजर नहीं आता। इसलिए आखिरी बार पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? आप बार बार ये बात क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आज वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में ये विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और उपाय, कोई चारा नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि जिंदगी में और कुछ हासिल हो ना हो, कम से कम ये नाम मुराद मोहरा तो हाथ में ही बना रहे? आप बार बार ये बात क्यों करने जाते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लीजिए। इस घर में आना और रहना सच में हित में नहीं है उसके, और मुझे भी अपने लिए किसी ऐसे मोहरे की जरूरत नहीं जो ना खुद चलता हो ना औरों को चलने देता। तो ठीक है, वो नहीं आएगा, वो कमजोर है मगर इतना कमजोर भी नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ भी नहीं, उतना बेसहारा भी नहीं जितना वो अपने आप को समझता है। अगर ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वो अपनी आंखें खोलकर ठीक तरह से देख सके। जरूर जरूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब जा रहा हूं मैं, तुमसे जितनी बात करनी थी कर चुका, बाकी की बात अब उसी से जाकर करूंगा। मुझे पता है ये कितना मुश्किल होगा मगर उसके मन में ये विश्वास बिठा कर ही रहूंगा मैं कि अरे अशोक तू तो चला क्यों आया वहां से? बिन्नी सब ठीक है ना? अंदर से छड़ी निकाल कर दे जरा। पर वो किस लिए चाहिए तुझे? डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार कर लाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। रुक मैं लाती हूं। डैडी आए तो आ ही गया वो आखिर? हाँ आ ही गए हैं। अरे जल्दी से छड़ी निकाल कर दे। अरे अरे ये यहाँ क्यों पड़ा, कौन पड़ा रही है? संभल कर डैडी, संभल कर। अभी नहीं, आराम से। संभल कर डैडी, आराम से।
अब मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से हमारे नाटक के निदेशक श्री प्रकाश दाती जी का सम्मान करना चाहती हूँ। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ। Ladies and gentlemen, please proceed outside. We need to clear this place. All the actors are going to come outside to meet you. Please proceed outside.